इंदौर स्कूल एग्जाम बोर्ड की तरफ से 10वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया गया। बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए छात्रों ने बीएसईबी की ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर रिजल्ट चेक किया। 10वीं के रिजल्ट के साथ साथ बिहार बोर्ड 10th टॉपर्स 2023 की लिस्ट भी जारी कर दी गई। 10वीं में कुल 81.4% छात्र छात्राएं पास हुए। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने रिजल्ट जारी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक साथ रामनवमी के मौके पर मंच साझा किया। पटना के डाक बंगला चौराहे पर हुई शोभा यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार बीजेपी के दिग्गज नेताओं और अपने करीबी मंत्री विजय चौधरी के साथ अलग अलग झांकियों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में घोषणा की कि उनकी सरकार बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं करेगी, बल्कि प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को 13,114 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने फैसला किया है कि बिहार के लोगों के लिए बिजली की दरें नहीं बढ़ने देंगे और टैरिफ पिछले साल की तरह ही रहेंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिजली बिल को लेकर कहा कि बढ़ी हुई बिजली दरों पर सरकार ने अहम फैसला लिया है। बिजली के लिए वन नेशन वन टैरिफ होना चाहिए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए, ऊर्जा मंत्री को धन्यवाद देना चाहिए और ये महागठबंधन की सरकार, ताकि गरीबों पर, किसानों पर जो बिजली की महंगाई की मार ना पड़े, इसलिए बिहार सरकार, महागठबंधन सरकार ने निर्णय दिया कि 13,000 करोड़ की सहायता हम लोग कर रहे हैं। 13,000 समझिए एक बड़ा रकम होता है, क्योंकि बिजली जो है बढ़ा है, उसका रेट जो है बढ़ा है और ये केंद्र सरकार जो है वही बताएगी क्यों बढ़ाती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी बात कही कि भाई एक टैरिफ होना चाहिए। बिहार के सासाराम में रामनवमी के मौके पर जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। देर रात को हुए भारी तनाव के बाद उपद्रवियों ने दो घरों को आग के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस को उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। सासाराम के साथ ही बिहार के नालंदा में भी रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान दो गुटों में झड़प हो गयी। भीषण झड़प के बाद दोनों गुटों ने जमकर पत्थरबाजी की, आगजनी और गोलीबारी भी की गई। पुलिस ने माइकिंग करके लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार की देर शाम एक दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचेंगे। अमित शाह 2 अप्रैल को सासाराम और नवादा में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाह के बिहार दौरे से ठीक पहले सासाराम में रामनवमी के मौके पर हिंसा हो गयी, जिसके बाद इलाके में काफी तनाव है। ऐसे में गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बरती जा रही है। बिहार बीजेपी के नेता निखिल आनंद ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को रामनवमी की बधाई देने को लेकर निशाने पर लिया। निखिल ने चंद्रशेखर की बधाई वाली फोटो ट्वीट करते हुए लिखा कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस का अपमान किया और श्री राम के काल्पनिक होने का प्रचार किया। ये व्यक्ति किस मुँह से रामनवमी की बधाई दे रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता जाने पर कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगने में क्या जाता था, राहुल गांधी ने जानबूझकर ये माहौल बनाया। होता क्या है, आप पूरे समाज को गाली देते हैं और उसके बाद कहें कि वो कुछ नहीं बोला है, माफी मांग लेने में क्या जाता था। तो उन्होंने जानबूझ के ये माहौल बनाया, एक तरफ अति पिछड़े को गाली दिया और दूसरे तरफ अपने को सजाबार किया।